أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। प्रोग्राम खुर्शीद इमामत में आपके हाजिर खिदमत है, और जैसे आपके इलम में है कि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला रईस मज़हब इमामिया हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के उनवान से जारी और सारी है, और इस उनवान से कि ख़ुद हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा, जिसका एक एक लम्हा, जिसकी एक एक घड़ी, जिसका एक एक सेकंड और एक एक लम्हा हमारे लिए नमूने अमल है, इसमें कोई शक शुबा नहीं। और जिस उनवान से अहादीस और जिस क़दर अहादीस का ज़ख़ीरा हम तक पहुंचा है रावियान सिकात के ज़रिए से, यकीनन किसी न किसी हद तक हमारे पास महफूज है, और उसे अंदाज़ा यही किया जा सकता है कि हज़रत ने उस हर चीज़ की तरफ रहनुमाई फरमाई है कि जिसकी ज़रूरत है और हर ज़माने में ज़रूरत है। अलबत्त इसमें शक नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों में यकीनन जो रिवायात है उसमें ज़ाहिर है कि सहीह और गैर सहीह, सहीह अहादीस, गैर सहीह अहादीस और मोतमद और इल्म रिजाली, यकीनन इसकी ज़रूरत है, और इस पर जो है वो बहस होती है। आज इंशाल्लाह अज़ीज़ हमारे साथ महवी गुफ्तगू रहेंगे हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद ज़ुहैर इलाहाबादी साहब क़िबला, और रब्ता हमारा कायम हो चुका है। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। क़िबला कैसे मिजाज है आपके? खैर आफियत से हैं इंशाल्लाह? अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं हैं। सबसे पहले तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि आपने एक दफ़ा फिर हमें वक्त दिया और ख़िदमत का यह मौका हमें फराहम फरमाया, नहायत ही शुक्रगुजार है। और जैसे आप इल्म फरमाते हैं कि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के उनवान से है, और टाइम भी मुख्तसर है, तो अगर आप इजाज़त फरमाएँ तो इसी उनवान से सवालात का सिलसिला आपकी खिदमत में शुरू करें। बिस्मिल्लाह। शुक्रिया। पहला सवाल इस उनवान से मैं करना चाहूँगा, चूँकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अहादीस का एक ज़ख़ीरा जो है वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आज महफूज है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से, तो इन अहादीस में और जो हज़रत के सुखनान है इसमें से क्या हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने शीयों के लिए कुछ बशारती भी बयान फरमाई है, इस उनवान से अगर एक वजाहत फरमाएँ। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. محمد وآله الطيبين الطاهرين. لحنة الدائمة على قلبه. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الحميد وهو التقي القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. परवरदिगार आलम ने इस आयत में कायनात को इस तरफ मुतवज्जे किया जी कि लोग अहले बैत अलैहिस्सलाम को जाने समझे सही और सिलसिले से हसासियत पैदा करें कि अहले बैत मामूली शख्सियत नहीं। बेशक। इसलिए क्योंकि हर इंसान दुनिया का आज ये है कि जो भी थोड़ा सा पावर जो हुआ रथ है तो लोग उसके साथ जी। लेकिन अहले बैत परवरदिगार आलम ने साथ होने के लिए नहीं कहा कि ये जज़ा रखते हैं, ये तो कवि हैं, लायक हैं कि हम पे जी काबिल हैं परवरदिगार आलम चीजें रखते हैं तो लायक है कि हमारे सरपरस्त हमारे हमारे जी। अब जाहिर अब हर इंसान ये चाहता है कि ठीक है तो उसकी जानिब से कुछ हो, कुछ ना कुछ उसको कारण हमारा ताल्लुक है पहले हम के चाहने वालों का जी।
सही के अलावा अगर आप कुछ ना फरमाते और उनके फवायल न बहे इतना काफी था हमारे लिए अहले बैत जी उस वजूद अहले बैत ये बारहा जैसे जिसका जमाना रहा बाकायदा तौर पर रिवायत कहती है एक मुकाम पर ऐसा मसला हो शख्स इमाम की बारगाह में आए जी आने आने के बाद उसने जी गालिबन थोड़ा सा जो है वो हमारा राबता जो है वो मुनक़ते हो चुका है किसी फ़नी ख़राबी के बायस, तो इंशाल्लाहुल अज़ीज़ दोबारा जो ही राबता हमारा कायम हो जाए इंशाल्लाहुल अज़ीज़ इस बहस को इदामा देंगे और इंशाल्लाहुल अज़ीज़ मज़ीद जो है वो इस्तिफ़ादा करेंगे इज़्न क़िबला के कलाम से। यकीनन हज़रत जो है उनकी शख्सियत अल्लाह सुबहाना व ताला ने बारहा इसकी तरफ जो है वो मुतवज्जे किया है अलैहि अलैहिस्सलाम के अज़मत की जानिब। राबता दोबारा हमारा कायम हो चुका है जी। क़िबला बिस्मिल्लाह फरमाएं। एक शख्स इमाम की बारगाह और इमाम का चाहने वाला जी और आने के बाद उसने देखा यानी तकिया किए हुए और आते ही उससे पूछा भाई जी लोग में क्या कहते हैं तुम्हारा अड्डा तुम्हारे जो अतराफ के लोग क्या कहते हैं जी। इसके बाद नहीं पूछा ये बताओ बदली कौन है सही ये लफ्ज इमाम ने उस आने वाले ने इमाम का मौला तरीन ये जुमला उसने इस्तेमाल जी तरीन मखलूक तकलीफ कहती है फौरन इमाम ये किए हुए बैठे थे और उसने कहा क्या फर्क है सही तो मौला जो आपने फरमाया किया कि बदतरीन तो मैंने ये फरमाया इमाम ने फरमाया कि ने कहा मौला मसला हम जब बाहर जाते फिर तारा यहूदी काफे कुछ राष्ट्रपति न जाने कितना लफाफ से ना ये तो इस तरह कि हम पत्थर जी ये उसने कहा वो इमाम अलैहि सलात वस सुना उसको देखा इमाम और जो रिवायत थी चेहरे पर गज़ब दिखाई मैं तुम अपने आप शर्म नाश तसव बल्कि फिर इमाम कि कोई एक भी जी पहले जो लफ्ज है वो ये है ना इस्लाम मिन शियातिन जी में अफला यदखुल जन्ना जहन्नम में हमारे शियों में से कोई नहीं होंगे। फिर इमाम ने जुमला दोहरा किया फिर फरमाया ला यदखुल واحد من شيء एक भी शिया इतने बड़ी बशारत कायनात की आप बशिया शिया उसकी इमाम ने और इमाम मतिया वक्ता असम बखुदा जी एक भी हमारा चाहने वाला अल्लाह हु अकबर तानियत की और शियत के लिए सबसे बड़ी बशारत है कि ताकि आलम इस मांच के लिए कि अगर तुम हमसे मुंसलिक हो जी तो उन्होंने बयान किया कि मौला तुम बाहर निकलते उससे नवाजता है कोई हमें नवाजता है कोई हमें राफदी कहता है जी दीन से खारिज कहता है हमारे दीन को समझता ही नहीं दीन कहता है जी इस्तेमाल करते हैं हमारे लिए हत्ता के काब से हमें नवाजता जी मौला ने उस पर अपने चाहने वालों के लिए ऐसा पैगाम दिया कि जो दादत से कम रही है और वाकई लिए बशारत है कि जो मौलाना जी अल्लाह अकबर एक भी हमारा कोई शिया जी असम बख्तर जहन में नहीं जाएगा
अगर हम इस बात पर सिर्फ गौर करें, जी इमाम अलैहिस्सलाम ने कितने जिम्मेदारी से हमारी शरीयत है जी बोल दिया, बाद में फिर हमने मुतवज्जे हुए तो क्या नहीं कि भाई ये हमसे गलती हो गई जी इशारा करते हैं साइमा की जानिब से, नहीं होता कि वो है ये इल्म मुर्तबित इल्म एलान बताएंगे वो अति और वो यकीन है सही वाले सलाम ने बयान किया कि हमारा शिया जी बल्कि इतना पर इमाम ने फरमाया मोहब्बत करते हो तो अच्छा दान पर मोहब्बत का तो फिर तो तुम्हारे शिया है वो कहते हैं माशरे में तो बहुत सको शिया कोई कुछ कर रहा है ये करता है तो भी है मौला ने कहा ये कैसी कि दावाए मोहब्बत और उसके बाद हम हमारी शख्सियत को तुम अहले बैत अलैहिस्सलाम बावजूद उनकी शख्सियत पर अमल नहीं कर ये कहा गया उसके बाद फरमाया तब जो है जो तुम्हारे आमाल की जी बात दलील है कि तुम में सही से नहीं सकते सही तुम्हें हमारी मारिफत अगर हकीकत मारिफत करते और जी. ये जो कहा गया जहन्नम में एक खुशिया क्या है वो खुशिया है पहले बेहतर दोस्त ऐसी मारिफत रखते हैं तो पहले सर तो वो उस पर हासिल हो जाए अगर पहले बेशक वो अशिया हो जी तो इस तरीके के अहले बैत अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद जी और भी इसके अलावा मुलाजिम जी रिवायत बहुत सारी रिवायात में जैसे इमाम कि हमारे शिया कौन है हमारे शिया तो हमारी इनस से बने सही या तो ना मिन फाउदिल अल्लाह शिया वो है बहुत बड़ी बात है जी बेशक अइमा सलाम ये फरमा रहे हैं तिश हमारा चाहने वाला वो है हमारी मिट्टी से बना है जी जिस इनस से जिस इनस पहले बैठ तैयार हुए जो उससे अल्लाह ने उनके चाहने हम गौर करें इस बात जी और कोई बात न गौर तो कोई मसला ही नहीं तो बेशक इंसानियत को होने की इंसानियत को मुतनब्बे होने तरफ तवज्जो जी शख्स से मंसूब है हमारे लिए अहले बैत बल्कि एक मकाम पर फरमाया कि हमारी मदद कैसे करोगे तुम जी फिर इमाम ने बशारत दी अंतुम शर्कु अंतुम आवानु चाहने वालों को बशारत दे रहे जी अल्लाह के मददगार हो तुम अंतुम السابقون من السابقون تم ہی آخرون میں جی انتم السابقون جنت ہم فرما رہے ہیں کہ تم سب سے پہلے جنت کی طرف جانے بے شک چاہتے ہیں جو اہل بیت पारित हुई है हमारी और सलाम के चाहने वालों के बैठने अपने चाहने वालों की सही बल्कि वहां तो जैसा कि हम खुदावर सुनते रहते हैं हम हर फर्म में जी तुम आमाल दुरुस्त कर किया मेंशन में हम तुम्हारे साथ हैं बेशक बरजख दिले तुम्हें अपने आमाल के एतबार से बरजख में तो ये दुनिया इस खींचातानी में मौजूद हैरानगी में डूबी हुई कोई खबर नहीं है कि दूसरी दुनिया या वहां पर क्या हो रहा है लेकिन सलाम अपने चाहने वालों को ध्यान दिला रखा है ना कि तुम परेशान होना
हाथ पे हम मिलेंगे और सर पे हम मिले, तुम्हें हम मिलेंगे, कैसे आना जैसे हम बेशक उस तरीके से होकर आना, तो तुम्हें हम ही मिलेंगे। उस वक्त जब तुझे मौका है, जी मौका है जहाँ जरूरत है एक सहारे, एक ऐसी अनायत की, एक ऐसी बगैर आगे नहीं जा सकते, वो मिले दुनिया में जी तो उनकी अनायत हमारे ऊपर है, जी लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है वो महशर का मैदान है। जी किसी को पूछने वाला नहीं है, कुरान की आयत इंसानियत इंसान से अपने बाप और माँ से डॉक्टर प्यार करेगा क्यों, चले सबको इस ने उलझा होगा कि हम इस मौके से बाहर निकले, बाहर निकले जी कैसे हमारे आमाल अच्छे, उस वक्त तक कोई आपके दस्त तकदीर हो जाए हाथ पे हाथ निशाने पे कहे घबरा कि हम है फिर वो है। बेशक 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 जी बिस्मिल्लाह। और बातें हैं और भी चीजें हैं, अगर आप फोन करें जी हासिल हो सकता किबला, तकरीबन 3 से 4 मिनट का टाइम है, अगर इस उनवान से भी एक वजाहत हो जाए कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम में हजरत हजरात अहलुल बैत अलैहिस्सलाम की विलायत के हवाले से इस उनवान से भी अगर एक वजाहत फरमाएं, तकरीबन 3 मिनट का टाइम है, 3 मिनट बिस्मिल्लाह फरमाएं। मैं हाजिर करता हूँ, खिदमत में हाजिर। सलामत इमाम साहब के साबित रहा जी, और एक ऐसा यानी फुर्सत का जमाना कि जिसमें अहमे और खासकर टीम को इस तरीके से चाहिए था पहला, और आज तक मुझसे कयाम तक होते जी। अब इमाम अलैहिस्सलाम की जरूरत को भी जगह जगह बयान जी, बस मैं ये रिवायत पेश करता हूँ और इसका हमारा भी खत्म हो जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तारीख कहती है कि एक मर्तबा इस्लाम में बहुत बड़ा मतलब जिनसे ताल्लुक रखता है इमाम जी, वो इमाम के साथ बैठे हुए खाना खा रहे, सही इमाम खाना खा रहे वहीं पर खाना खा रहे साथ जी, इमाम अलैहिस्सलाम ने पहुंचे करके पूछा मन नहीं बहन सही है नौमान, तुम नियामत किसे तस्वीर कहा अगर ऐसी बात है कयामत में अल्लाह तुमको हर उस लुकमे का सवाल आया और हर दूध का सवाल करने लगे पानी जो तुमने पिया है, इंसाफ तो बहुत लंबा हुआ सही। तो अब वो परेशान हुआ उसने कहा और आप जब फिर उसने अन्नाइम जो अल्तफदा जी वाले आप बताइए क्या कीमत तुम्हारा ना तुम्हारे लग हम महले पे अनعم हम यकतम या लदी अनعم अल्लाह सुभान अल्लाह ताहले जिनके जिक्र के बंदों पर नियमतों को तम या बना को पब तलफ सुभान अल्लाह बेशक हरी वजह से अगर कि वो अलग अलग रहते हैं तो जिससे उनके दिल एक जगह हो जाते हैं तब बिक जाते हैं, तो अपना हमारी वजह से लोगों किया जाता है यानी हमारी मोहब्बत दिलों को अगर होती है जी। हमारे नाम पर ये सब हो जाते हैं, मजलिस में आ जाते हैं बैठ जाते हैं और घर हमारी वजह से यानी बेशक कौन अहले बैत अलैहिस्सलाम बेशक एक मिनट का टाइम है किबला। तकीला तनकत ये वो नेमत है जो पता
अल्लाह अकबर। और अल्लाह अल्लाह और अल्लाह का वो इसी ने सवाल कर दिया हो गई कि जी जो अल्लाह ने लोगों पर नाजिल की और सुबहान वो अल्लाह। वो ये यानी जी नियामतें विलायतें बेहतर बेशक बेशक बेशक। हमें हजार शुक्र अदा करना चाहिए कि परवरदिगार आलम ने हमें बेहतर तो सलाम रखने वाला किया है उनकी दहलीज यानी चराई मौका दिया और उनकी दारुखुशी का मौका दिया बेशक अहले बैत सलाम शरफ है तो अहले बैत सलाम की बहुत सारी बातें हैं अब बेशक जायज नहीं है कि वो जी बात बिल्कुल। वक्त अगर फिर तकरीबन कभी इंतहा पर है। जी बिल्कुल। अली वाजी को बरकत क़िबला अल्लाह आपके तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। नहायत ही तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है। तशरीफ़ लाए और नहायत ही मुहिम नुकात पे आपने इशारा फरमाया। इंशाल्लाह किसी और वक्त भी आपके हाजिर खिदमत रहेंगे। फ़िलहाल आपसे इल्तिमा से दुआ करते हैं क़िबला। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया जी। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू आप समाप्त फरमा रहे थे हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद ज़ुहैर इलाहाबादी साहब क़िबला से। और थोड़ी सी जो है वो फ़नी मुश्किलात भी बहरहाल अपनी जगह पर थे, लेकिन जिस उनवान से हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के हयात तय्यबा के उनवान से गुफ्तगू की जा सकती है, तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हर एक एक लम्हा हर एक एक घड़ी जो भी इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा है उस उनवान से हमारे लिए जो है वो सरमश्क नमूना है और हमारे लिए नमूने अमल है, हमारी उसलूब ज़िंदगी है कि उसी उनवान से हम भी बहरहाल उसकी तरह तो कोई नहीं बन सकता, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन यह है कि हम लोगों को कम से कम कोशिश करनी चाहिए और वो कोशिश ये है कि इंसान उनको अपना नमूना बनाए, नमूना अपने लिए बनाए। तो यकीनन अल्लाह जो है जो नमूना बनाया है तो हम जो है वो किसी न किसी हद तक जो है अपनी ज़िंदगी उस तरीके से गुजार सकते हैं और उसमें से जो मुहिम चीज़ें हैं जैसे इंसान जो है ख़ुद हिफाजत कर सकता है, ख़ुद अपनी दीन की अपने अपने वजूद की और अल्लाह की रज़ा को हासिल कर सकता है, यकीनन इन्हीं ज़वात मुक़दसा को हम अपने लिए नमूने अमल बनाकर इंशाल्लाह अमल अंजाम देंगे तो हम भी इंशाल्लाह सरफराज रहेंगे और कामयाब रहेंगे इंशाल्लाहुल अज़ीज़। वक्त हमारा इंतहा पर है और आखिर में हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए मिलकर दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलीयकल फ़रज।